अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खुश आमदीद कहता हूँ आपको अपने YouTube चैनल बागी रिसर्च में और मैं हूँ आपका अपना होस्ट अहमद। नाज़रीन, दुनिया का लंबा तरीन शख्स औज बिन अनक, जिसका कद इतना लंबा था कि तूफान नूह का पानी भी इसको डुबो ना सका। नाज़रीन, ये समुंदर की गहराई से मछलियाँ पकड़कर सूरज के सामने रख कर भून लिया करता था और आसमान के बादलों से बराह रास्त पानी पी लिया करता था और अपनी प्यास बुझा लेता था। नाज़रीन, ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बेटी सफूरा का बेटा था और इसने 3600 साल की उम्र पाई थी। नाज़रीन, इसने हजरत आदम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक का जमाना देखा था। चनाचा एक इसराइली रवायत के मुताबिक जब हजरत मूसा ने अपनी कौम को हुक्म दिया कि मिस्र में जिहाद के लिए उनका साथ दे, तो वो लोग मिस्र की तरफ जिहाद के लिए आए। नाज़रीन, वहाँ उनका सामना औज बिन अनक से हुआ, जिसने उन तमाम लोगों को बंदी बना लिया और कहा कि मैं तुम्हें अपने पाँव के नीचे मसल दूंगा, जिसके नतीजे में उसकी बीवी ने उन लोगों पर रहम करते हुए उनको औज से छुड़वा दिया। नाज़रीन, औज बिन अनक तूफान नूह में भी हलाक होने से बच गया था, क्योंकि जिस लकड़ी से हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई थी, उस लकड़ी का वजन इतना ज्यादा था कि कई इंसान मिलकर भी उस लकड़ी को उठाने से कासिर थे। नाज़रीन, उस लकड़ी को मुल्के शाम से अकेले उठाकर लाने वाला शख्स कोई और नहीं बल्कि औज बिन अनक ही था। नाज़रीन, इस मदद के बदले में औज बिन अनक को तूफान नूह से बरात मिल गई। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब वापस जाकर मूसा अलैहिस्सलाम को ये बात बतलाती है कि वहाँ हमारा सामना एक ऐसे शख्स से हुआ है जिसका मुकाबला हम नहीं कर सकते, अगर आप फिर भी जंग करना चाहते हैं तो आप जाने और आपका खुदा जाने। नाज़रीन, ये बात सुनने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने जंग का इरादा रखते हुए तैयारी पकड़ ली और मिस्र की तरफ रवाना हो गए। नाज़रीन, मूसा अलैहिस्सलाम का कद 10 गज और उनके आसी की लंबाई भी 10 गज थी। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का आमना सामना औज बिन अनक से हुआ, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने छलांग लगाकर उसके घुटने पर एक ऐसा वार किया कि जिसके नतीजे में उसकी हलाकत हो गई। नाज़रीन, उसकी लाश को दरियाए नील पर फेंक दिया गया और उसके ढांचे को दरियाए नील के दरमियान रख कर पुल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा। नाज़रीन, इस तरह की दास्तानें दौरे हाजिर में इंटरनेट के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जुबाने जदे आम हैं, लेकिन नाज़रीन आपको बताते चलें कि इस कहानी का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही तारीख में इसकी कोई मुसम्मम दलील है। इसके नतीजे में पैदा होने वाले सवालात का कोई मुदल्लल जवाब भी हमारे पास मौजूद नहीं है। नाज़रीन, एक लम्हे के लिए ये मान भी लिया जाए कि औज बिन अनक नामी कोई शख्स मौजूद भी था, तो हमें साइंसी तरीके से इसको साबित करना भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन कहानियों के मुताबिक उसकी उम्र 3600 साल है और वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक के दौर को जानता है। लेकिन अगर हिसाब लगाया जाए तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक का तमाम दौर कमोबेश 2000 साल का बनता है। तो क्या इसकी पैदाइश क्या आदम अलैहिस्सलाम से पहले की थी? नाज़रीन, अगर हम कुरान से रहनुमाई लें तो कुरान बयान करता है कि तूफान नूह में कोई भी मुशरिक जिंदा नहीं बचा था, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हो, तो औज बिन अनक कैसे बच सकता है? नाज़रीन, ये तमाम रवायात यहूदियों की पैदा करदा हैं, जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ऐसी इसराइली रवायतों में अक्सर सिफात में गुलू बयान करके तवज्जो हासिल करना आम है। नाज़रीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।